शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः और पुनः स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आप 11th क्लास का वीडियो देख रहे हैं। आप 11th क्लास में पहले 6 वीडियो देख चुके हैं। उन 6 वीडियो में आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेंट रूल के बारे में पढ़ा, और आज मैं आपको एक विशेष फार्मूला के साथ आया हूँ। वो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स का है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी आप 11th में हैं, जब आप 12th में जाएंगे तो 12th क्लास का लास्ट क्लास तक ये फार्मूला यूज होगा कैलकुलस में, तो उस समय पता चलेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अभी से अगर हम अच्छे से ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पे हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आपके लिए एक शुभकामना भी है कि आप अच्छे से ध्यान देंगे और पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और ईमानदारी से देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। आज मैं आपको फार्मूला ही बताऊंगा और उसको प्रूफ भी करूंगा। तो फार्मूला है पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फार्मूला है, यदि आप पहला फार्मूला याद कर लेते हैं तो दूसरा फार्मूला खुद ही याद हो जाएगा। कॉस ए साइन का ही लिखते हैं पहले, साइन ए माइनस बी बराबर, ये प्लस में है तो प्लस हुआ और ये माइनस में होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। मतलब एक याद करेंगे तो दूसरा खुद ही याद हो जाएगा और साथ ही इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। फॉर्मूला नंबर 3, कॉस ए प्लस बी। आप पिछले वीडियो में भी देखे थे कि कॉस में सब प्लस में प्लस और सब माइनस में माइनस, लेकिन कॉस ही एक ऐसा था जो प्लस में प्लस और माइनस दोनों था, में क्या हो गया था, प्लस हो गया था। लेकिन यहाँ पे प्लस में माइनस होगा और माइनस में प्लस, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है? अगला फॉर्मूला नंबर 4, ये प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, लेकिन कॉस प्लस में माइनस और माइनस में प्लस। बस इतना ही याद रखना है और ध्यान में रखना है। हम अभी आपको याद भी करवा देंगे इसको। साइन वाला फॉर्मूला में पहले साइन बाद में कॉस, क्लियर? कॉस वाला फॉर्मूला में दोनों कॉस दोनों साइन, याद रहेगा? साइन वाला में प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, कॉस वाला में प्लस में माइनस और माइनस में प्लस। क्लियर? प्रूफ भी करेंगे अभी। फॉर्मूला नंबर 5, टैन ए प्लस बी बराबर टैन ए प्लस टैन बी बाई वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। मेरे हिसाब से आप माने तो त्रिकोणमिति का शुरुआत हम यहीं से कहते हैं 11th क्लास का। इसके पहले जो भी हम पढ़े वो 10th लेवल का था और 10th के जैसा ही बनता था, लेकिन अब कुछ भी 10th जैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ लगेगा कि 10th जैसा है। बोलते बोलते हम tan का भी फॉर्मूला लिख दिए, tan a प्लस बी का tan a प्लस टैन बी बटा वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अगर tan a माइनस बी होगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर पहला याद करेंगे तो दूसरा,
और तीसरा याद करेंगे तो चौथा, पांचवा याद करेंगे तो छठा खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्रिक आप देख लीजिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। प्लस में है तो प्लस और माइनस में रहेगा तो माइनस। कॉस ए प्लस बी का दोनों कॉस दोनों साइन, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए माइनस बी हो तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगला टेन का, टेन ए प्लस बी बराबर टेन प्लस है ऊपर तो ये ऊपर प्लस होगा, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस बी का होगा तो टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। एक बार देख लीजिए, सारा है ना वैसे ही, सिंपल है, कंप्लीट हो जाएगा। और हर स्थिति में ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है रूम का चाबी, रूम में खजाना है और उस खजाने तक पहुंचना है तो आपको सटीक चाबी लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला ही इसका चाबी होता है ट्रिगोनोमेट्री का। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं ना? एक सिंपल सा हम प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है सो 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब का मान इस फार्मूला की मदद से निकालेंगे। चूँकि एक बार हम पहले शॉर्ट में निकाल भी चुके हैं तो आपके लिए नया सिर्फ इतना ही होगा, 15 डिग्री और 75 डिग्री। क्लियर? कौन सा? 15 डिग्री और 75 डिग्री। 105 डिग्री भी आपके लिए नया होगा, बिल्कुल 105 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि 105 60 प्लस 45 से निकालेंगे, आप 90 180 270 और 360 में पढ़े हैं। तो चले आगे चलें, चलिए एक प्रूफ कर देंगे तो आप खुद ही बोल दीजिएगा कि हम सारा प्रूफ करके आएंगे। ठीक है, और वो आप बताइएगा। एक कोई भी प्रूफ कर रहे हैं साइन का ही, प्रूफ दैट साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी। प्रूफ बाय एंगल, एंगल से प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, एंगल से प्रूफ करेंगे दोनों साइड। फॉर्मूला पे भी प्रूफ करेंगे, लेकिन इस जो फॉर्मूला यहाँ लग रहा है टू साइन ए इन टू कॉस बी, वो फार्मूला इसके बाद वाला चैप्टर में है, उसको पढ़ेंगे उसके बाद फिर उस फॉर्मूला से भी प्रूफ करेंगे, पहले एंगल से प्रूफ करने जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, पुट ए के जगह पे, ए के जगह पे 60 डिग्री रख दे रहे हैं और बी के जगह पे 30 डिग्री रख दे रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, एलएचएस। क्या चाहिए? एलएचएस। ट्रिक भी आपको पता चल जाएगा जो हम आगे बनवाने वाले हैं। एल एच एस, साइन ए प्लस बी, ए के जगह पे कितना रखे बाबू, 60 डिग्री, और बी के जगह पे 30 डिग्री, तो 60 और 30 कितना हो गया, साइन 90 का मान कितना होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो आगे देखिए, आर एच एस। क्या आर एच एस? आर एच एस में है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना? ए के जगह पे कितना रखना है, 60 डिग्री। बी के जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री। ए के जगह पे 60, बी के जगह पे 30। क्लियर? क्लियर? कितना लोग बता सकते हैं साइन 60 का मान? वेरी गुड, बताइए। रूट 3/2, एकदम 100% सही, बैठ जाइए। कॉस 30 का मान कितना लोग बताएंगे? जो लोग देख रहे हैं आप भी दिमाग में लाइए कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, बगल में। गलत, नहीं नहीं बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। ठीक है, आराम से, कोई बात नहीं।
√3/2। बैठ जाइए। बगल में cos 60 का मान 1/2। उसके बगल में sin 30 का मान हाथ ऊपर 1/2। ठीक है, तो इसके बाद यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं, हो जाएगा बराबर √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 और 2 × 2 4 का एलसीएम 3 + 1 = 4/4 ये कट गया 1 = LHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत? नो सर। समझने में कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? यस सर। अब हम आप हमको ये बताइए कि क्या वो 6 थ्योरम प्रूव हो जाएगा? यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है, अभी हम बोले थे कि एक हम बताएंगे तो 6 हो जाएगा, तो आपको लगा होगा कि कैसे होगा, तो बनने के बाद खुद ही पता चल गया कि हम बना सकते हैं कि नहीं। 5 होमवर्क यहाँ पे हो गया प्रूफ करने के लिए। क्लियर? होमवर्क कितना हो गया यहाँ पे? 5। क्लियर ना? कौन कौन? साइन के अलावा, साइन का 1, कॉस का 2, टेन का 2। हाँ, आप जो रख सकते हैं, जो इच्छा है सो रख सकते हैं, जिसका मान आप जानते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 डिग्री और 10 डिग्री रख देंगे। ठीक है, आप जिसका मान जानते हैं उसी को रखेंगे। क्लियर ना? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न था कि ए और बी की जगह आप जे कहिएगा सही हम रखेंगे। जी नहीं, आपकी जो इच्छा होगी सो रखिए, लेकिन उसका मान आपके पास ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा कि आप यहाँ 45 रख देंगे और यहाँ 30 रख देंगे, तो 45 और 30 कितना होता है? 75। आपको मालूम नहीं है अभी, अभी 75 निकालने सिखाएंगे हम। क्लियर ना? चलें आगे। ठीक है, पहले हम होमवर्क आपको देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। कल का होमवर्क और उसी पर काम करेंगे। ठीक है, 5 होमवर्क वहाँ और कल का होमवर्क जो आप कहेंगे उसको हम बनाएंगे, साइन में, कॉस में, टेन में, साइन में, कॉस में, टेन में। क्लियर? आपको बनाना है 15 डिग्री का मान। कितना? 15। तो 15, एक मिनट थोड़ा, अब यहाँ से ध्यान देना है, 75, 105, 120, 135, 15, 75, 105, 120, 135, 150 और 180, इसी विधि से चाहिए हमको। ठीक है, 15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? -30 कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम पूछने वाले थे लेकिन लिखा गया, आप बताएंगे लेकिन फिर भी क्यों 45 - 30, 20 में से 5 क्यों नहीं? पैतालीस और 30 का मान पता है। ठीक है, अब एक तो लिखा गया, अब दूसरा बताइए 75 कैसे निकालेंगे? बोलिए फटाफट। 45 + 30, 105 का मान कैसे निकालेंगे? 90 + 15। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से धैर्य रखिए। 60 + 45, 120 का मान कैसे निकालेंगे? 90 + 30 और 60 + 60। लेकिन 90 रखने से फायदा क्या है कि साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, तो एगो पूरा को 0 कर देगा, आराम से बनेगा। 60 और 60 कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा जोड़ घटाओ करना पड़ेगा। 135 का 90 और 45, 90 और 60, 90 और 90। ठीक है, आपके पास तो नियम है, 180 का आप सीधे निकाल सकते हैं, साइन 180 का, साइन 180 + 0 साइन 0। क्लियर? तो साइन 0 का मान 0, लेकिन आपको इस मेथड से बनाना है। हम कौन सा बना दे सो बताइए, फर्स्ट
15 डिग्री का मान। लिखने का प्रोसेस भी आप देखेंगे, हम इसीलिए बता रहे हैं। ये आपका होमवर्क है, साइन कॉस टेन, सात है, सातियाई 21। आपको जो इच्छा करे सो हमको बना के दिखाइए। हम आपको एक साइन का, एक कॉस का और एक टेन का बताने जा रहे हैं। क्लियर? हाँ, ध्यान दीजिए। साइन 15, साइन 15 लिखेंगे, बगल में इसका बराबर लिखाएगा, इसी के बगल में लिखाएगा, कहीं और नीचे नहीं, दूसरा जगह नहीं, ठीक है? और जितना भी बराबर लिखाएगा सब इसके नीचे लिखाते रहेगा। क्लियर? ध्यान देंगे। साइन 15 को हम लिखेंगे साइन 45 माइनस 30। कितना लिखेंगे? साइन 45 माइनस 30, ठीक है? फिर यहाँ पे लिख देंगे ये ए है और ये बी है। इसके बाद एक बार फार्मूला लिखेंगे हम लोग यहाँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फार्मूला क्यों लिखेंगे? क्योंकि अभी हम पहले स्टार्ट किए हैं पढ़ने के लिए, और जब पढ़ने के लिए स्टार्ट किए तो फार्मूला हमको याद रहे, इसलिए हर फार्मूला में, हर सॉल्यूशन में फार्मूला लिखेंगे, ताकि उतना बार में हमारे जहन में आ जाए, हमको याद हो जाए। क्लियर है? Yes, sir. ए के जगह कितना है? 45 डिग्री। बी के जगह कितना है? 30 डिग्री। ए के जगह कितना है? 45। बी के जगह कितना है? 30 डिग्री। क्लियर? साइन 45 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान? कॉस 45 का मान? साइन 30 का मान? क्लियर? एक गुना रूट तीन कितना? बटा एक गुना एक, कोई दिक्कत है कहीं भी? जरा सा भी समझने में बन जाएगा? पक्का ना? साइन का सातो 15, 75, 105, 120, 135, 150, 180 बन जाएगा ना? कॉस का भी बता दें? एक बता देते हैं, कोई बात नहीं, हालांकि नहीं बताना चाहिए, ठीक है? कोई अलग नहीं है फार्मूला, बस पुट करना और बनाना है, लेकिन फिर भी आप देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आइए आइए। कॉस 15 का मान किसका? कॉस 15 का मान, कॉस 45 माइनस 30। क्लियर है? फिर यहां क्या लिखेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर? ए के जगह कितना लिखें? 45। बी के जगह पे यहाँ रूल में प्लस लिखे हैं, सही है ना? क्यों? कॉस 45 का मान, कॉस 30 का मान, साइन 45 का, साइन 30 का, रूट 3 बाई, क्यों? एक को रूट 3 से गुना किया तो रूट 3, बटा 2 रूट 2, एक गुना एक, एक बटा 2 रूट 2, तो रूट 3 प्लस 1 एलसीएम लेने पर 2 रूट 2। ये किसका मान हो गया? कॉस 15 डिग्री का। क्लियर? ये सब फार्मूला हो गया। एक दिन आप बोल लेते हैं कि सर इसका वैल्यू कितना होगा, तो आज उसका दिन आ गया, 15 डिग्री 75 डिग्री का। क्लियर है ना? खड़ा हो जाइए, बोलिए। अच्छा, तो आप फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला हमने आपको बताया, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है? जिसको आपको प्रूफ करने के लिए भी बताया, अगर गलत होगा तो आप सिद्ध कीजिएगा तो बराबर नहीं होगा, ठीक है? हर विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न होता है, पूछ लिए, अच्छा किए कि कॉस, बैठ जाइए, कॉस ए प्लस बी में आपने माइनस क्यों लिखा? वो फार्मूला है जिसको आपको प्रूफ करने भी हम बताया, ठीक है? आप प्रूफ करेंगे, अगर फार्मूला गलत होगा तो प्रूफ नहीं होगा। फार्मूला 200% सही है, आप प्रूफ करके देखिएगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? कॉस 15 का मान रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। क्लियर ना? अब क्या पूछ रहे थे आप? टेन। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब टेन का। तो खड़ा हो जाइए, बोलिए।
बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हाँ कहाँ पे? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इधर 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 प्लस में माइनस, ठीक है। थोड़ा ध्यान दिया कीजिए पढ़ने में, जब पढ़ते हैं तो बैठ जाइए। हम इसी पे फोकस कर रहे थे कि सारा सब सेम होता है, सिर्फ कॉस वाला में प्लस में माइनस और माइनस वाला में प्लस, ठीक है। इधर आपके हाथ में जो फॉर्मूला का टेबल है वो भी गोपाल सर बनाए हैं, ठीक है। और ये चतरा में सिर्फ यही बनाए हैं, ठीक है। इधर टैन 15 डिग्री का मान, किसका मान? टैन 15 डिग्री का मान। तो टैन 15 डिग्री का मान में कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, साइन और कॉस पे लगा चुके हैं। टैन 15 बटा साइन 15 बटा कॉस 15। साइन 15 का मान कितना लाए हैं अभी? रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू, रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू बटा रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू। इससे ये कट गया और आपके पास फाइनल आंसर है टेन 15 का रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री प्लस वन। और आपको इच्छा करता है कि उस फार्मूला पे बनाएं तो उस फार्मूला पर भी बनाइए, 45 और 30 रख के आ जाएगा। क्लियर है?